वजह क्या थी, आपको क्या लगा है? पाकिस्तान के हारने की क्या वजह थी? आपको क्या लगा है? आपने मैच तो देखा है। बॉलिंग तो पाकिस्तान ने अच्छी की है, छोटे से स्कोर को डिफेंड किया है। जो पहले ही ओवर में आउट हो गए हैं ना, जो पहले ही ओवर में एक विकेट ले लिया बस बाबर आजम की वजह से। तो ये इंडियन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे नहीं है कि हमें बुरा लगे, दोनों कंट्रीज एक साथ है, मैच हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या फीलिंग है भाई? मिस किया शाहीन भाई को, बहुत ज्यादा मिस किया। अगर शाहीन भाई और आमिर होते तो आज का मैच कभी नहीं जाता, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ने आखिरी दम तक खेला है, हमें कोई टेंशन नहीं। इंडिया ने जीते, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर गेम होगी। हार जीत लगी भाई जी, आपकी क्या जज्बात है? मेरे ये जज्बात है कि जो सेकंड लास्ट ओवर था हारिस रऊफ का, वो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। बाकी इंशाल्लाह बाकी मैचेस आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है, होपफुल है कि इंशाल्लाह एशिया कप हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहोगे, क्या पाकिस्तान हारा क्यों है आज, क्या वजह है? वजह है ये मौजूदा हुकूमत की वजह है, मौजूदा हुकूमत की वजह। जब से इन लोगों की हुकूमत आई है ना, तो पाकिस्तान हारते रहेगा, हारते रहेगा। पिछली दफा इमरान खान की हुकूमत 10 विकेट से हम जीते हैं। सोच इस बात को थोड़ा सोच। बाकी आपको भी ऐसा लगता है? नहीं नहीं भाई, ये तो इनके जज्बात है, इमरान खान से मोहब्बत है। बाकी आज क्रिकेट की जीत हुई है, मैच में किसी एक ने जीतना एक ने हारना होता है, लेकिन आज अच्छा फाइट, अच्छी फाइट हुई है। पाकिस्तान ने लास्ट ओवर तक मैच गया है और बहुत अच्छा मैच आया, बहुत एंजॉय। इस तरह हारे तो गम नहीं है, किसी एक ने तो जीतना है दोनों में से, तो बी प्राउड पाकिस्तानी। और पाकिस्तान इंशाल्लाह कमबैक करेगा और फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान जीतेगा। सर आप क्या कहेंगे? स्पेशल यूएस से आए, मैं अमेरिका से आया हूँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये तो चलता रहता है। लेकिन अच्छी फाइट हुई है, एंड में अगर 10-15 रन का फर्क था, अगर बन जाते एक दो छक्के धानी के लग जाते, लेकिन जैसे हमारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, उनको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको कम से कम एटलीस्ट 30-40 रन तो बनाने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आप ओपन छोड़ देंगे, बिल्कुल टेल एंड पे जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो इसलिए, लेकिन फाइट अच्छी हुई एट द एंड, 2 गेंदों पहले मैच जीते, इसका मतलब हम फाइट करके जीते हैं, वो जीते हैं सॉरी। तो इसको मैं टफ मुकाबला कहूँगा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला। हार जीत तो जाहिर बात है किसी एक की होनी है, हमें इससे सीखना चाहिए और नए लड़कों को जिनके अलावा जिनको बाहर बिठाया उनको भी अंदर लाना चाहिए, उनको भी मौका देना। थैंक यू। आप क्या कहोगे? वेल प्लेड, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन इंडिया हमारे से ज्यादा अच्छा खेला है, ठीक है। और नसीम शाह के लिए यकीन करें एक दफा तालियां बनती है, वेल बॉल्ड, और यकीन करें इंशाल्लाह वी विल कम बैक ऑन सैटरडे एंड वी विल फाइट देम बैक एंड वी विल हैव फन इंशाल्लाह। See you guys now on next Saturday, 4th of September. Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Kaun bachayega Pakistan?